नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। नए साल का आगाज हो चुका है। आज तारीख है 4 जनवरी, और 4 जनवरी के दोपहर में अनंत सिंह ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा आपको। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने उस कहानी का कुछ हिस्सा बताया है, लेकिन आखिर क्यों अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बोहा में फंस गए हैं? क्या होता है ये शब्द बोहा, और कैसे फंस गए हैं नीतीश कुमार? क्यों तेजस्वी यादव को बुतरू कहा अनंत सिंह ने? अनंत सिंह, शुरुआत यहीं से करते हैं। अनंत सिंह की अगर हम बात करें तो परिचय के मोहताज नहीं है। मोकामा से पिछली बार निर्दलीय विधायक थे, इस बार आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े। चुनाव काफ़ी आसानी से जीत गए। जब विधानसभा पहुँचे शपथ लेने के लिए विधायक की, तो बिना कागज़ देखे ही शपथ ले डाली। अनंत सिंह के किस्से यूँ तो बहुत हैं, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज अपने एक केस के सिलसिले में अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। आपको पता है वो पुराना मामला है, AK-47 की बरामदी हुई थी अनंत सिंह के मोकामा के नदमा स्थित गांव में। उनके पैतृक आवास पर AK-47 की बरामदगी हुई थी। उसी मामले में उस वक्त की तत्कालीन ASP लिपि सिंह का आज बयान दर्ज कराया जाना था। बयान दर्ज पिछले शनिवार को ही कराया जाना था, लेकिन उस वक्त जो वहाँ के जज थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए 2 दिन और समय लग गया। और ऐसे में अब जब अनंत सिंह कोर्ट पहुँचते हैं आज, तो माहौल वहाँ का थोड़ा शांत रहता है। मैं भी वहीं पर था, मेरी मुलाकात भी हुई अनंत सिंह से। उस दौरान जो बातचीत हुई, क्या कुछ बातचीत हुई थी ये तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप जा करके देख सकते हैं। आज सुबह में ही लाइव सीरीज के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर वो वीडियो लगाया गया है। क्या कुछ उस वक्त बातें हुई थी आप उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा इस वीडियो में हम ऐसा समझते हैं। बात शुरू करेंगे आज की, तो आज दोपहर लगभग 12:15 में पटना सिविल कोर्ट है, गांधी मैदान से अगर हम देखें। अगर आप राजधानी पटना आते हैं तो गांधी मैदान आप जानते होंगे, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर पटना का सिविल कोर्ट है। वहीं पर MP MLA के लिए विशेष कोर्ट बनाया गया है, जहाँ पर हियरिंग्स होती है। अनंत सिंह भी आज वहाँ पहुँचे थे। AK-47 की बरामदगी मामले में आज लिपि सिंह की गवाही हुई थी, मैंने पहले आपको बताया है। हमारी मुलाकात जब अनंत सिंह से हुई तो काफ़ी ही खुश मिजाज, तो वो तो अक्सर दिखते ही हैं। आज भी उनका अगर हम कहें तो मूड काफ़ी ठीक था। अपने समर्थकों से घिरे अनंत सिंह लोगों से बातचीत कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैं भी उनसे मिलने गया, क्योंकि मैं कोर्ट परिसर के अंदर था तो किसी भी तरीके की मैं वीडियोग्राफी नहीं कर सकता था, यह नियमों के खिलाफ है, और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता था, मैंने ऐसा किया भी नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अनंत सिंह से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर बातें बढ़ने लगी, तो उन्होंने कह दिया कि सरकार अब तक की स्थिति में है, मतलब कब गिर जाएगी कुछ कह नहीं सकते हैं, और नीतीश कुमार इस बार बोहा में फंस गए हैं। यही वो स्टेटमेंट था जिसके बाद कहीं ना कहीं लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि बोहा क्यों। उन्होंने ये भी कहा कि मछली के जाल में फंसना तो लोग समझते होंगे, इस बार बोहा में फंस गए हैं, निकलना बहुत ही मुश्किल है। बोहा का अगर हम अर्थ समझे तो, अगर गांव में आप जाते होंगे लोग मछली फंसाते हैं, जाल में अगर मछली फंस गई तो एक संभावना रहती है, मछली फंस गई या कोई भी अगर पशु फंस गया तो वो जाल काट कर निकल सकता है। लेकिन बोहा में, यानी कि दलदल में, अगर दलदल में हम फंस गए तो फिर बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। उन्होंने ऐसा कहा क्यों? उनका कहना था साफ साफ कि आप देखिए पिछले दिनों के कई ऐसी घटनाएं हैं, कई जगहों पर BJP खुल करके विद्रोह कर रही है, कई ऐसे जो JDU के कैंडिडेट हैं जो हार गए, जो जीते हुए भी हैं कई भी हैं, वो लगातार मंच पर हो या फिर अपने घर में मीडिया के माध्यम से हो, बयान दे रहे हैं कि सिर्फ लोजपा की गलती नहीं थी, और BJP ने LJP पर सीधा अटैक पूरे चुनाव में भी नहीं किया, और चुनाव के बाद तो खैर वो भूल ही गए कि आखिर LJP ने किया भी था कुछ या नहीं किया था। तो इसका साफ साफ अर्थ ये था, उनका कहना था कि JDU भी इस बात को समझ चुकी है कि LJP ने अलग होकर चुनाव लड़ा, ये साफ साफ BJP का ही खेल था, वो कहना चाह रहे थे। आगे अगर हम बढ़ें तो अनंत सिंह चुनाव की बात भी कर रहे थे। उन्होंने फिर बात जब तेजस्वी यादव पर आई तो कहा कि हाँ वो सक्षम है, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री तो इस बार ही बन चुके थे। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री तो वो इस बार बन ही चुके थे, लेकिन वो अभी बच्चे हैं। उन्होंने ये शब्द कहे कि तेजस्वी तो अभी बुतरू है, खैर वो समझ जाते। उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा, उन्होंने कहा कि वो समझ जाएगा।
समय आने पर इतनी कम उम्र है, नेता विरोधी दल है, 2.5 साल पहले रहा, अभी भी नेता विरोधी दल है और सब कुछ संभाल रहा है। इस बार जब बिना पिता के ही वो चुनाव मैदान में उतरे तब भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अब बात हम समझते हैं क्यों आखिर ये जो मामला है वो इतना घिसता चला जा रहा है। पहले हम अगर मामले की सुनवाई पाएँ तो लिपि सिंह जो कि उस वक्त बाढ़ की ASP थी, फिलहाल उनका ट्रांसफ़र सहरसा हो गया है, सीनियर IPS अधिकारी हैं, उनका आज गवाही दे देना। और जानकारी जिस तरीके से मिल रही है कि 6 जनवरी को अगली तारीख रखी गई है, राजद विधायक जो अनंत सिंह हैं कोर्ट में आज उपस्थित थे और 6 जनवरी को दोबारा लिपि सिंह की गवाही को दर्ज की जाएगी जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है। तो खैर परसों की बात है, परसों क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब बात तेजस्वी यादव पर और नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को उन्होंने साफ साफ कहा कि वो बोहा में फंस गए हैं, आपने बात समझ ली होगी, बेबाक तरीके से बोलते भी हैं। फिर उसके बाद जब बातें आगे बढ़ीं तो चुनाव के दौरान की बातें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि मेरी अफवाहें होती हैं कि मेरी बात जेल से सभी लोगों से होती है, लेकिन ये सब झूठ है, ये हकीकत नहीं है, लोग फैलाते हैं। आप भी पत्रकार हैं, कई बार आप भी कह देते होंगे, लेकिन ये सब झूठ है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब बात तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव पर अनंत सिंह को अभी भरोसा है कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी इस वक्त उम्र ही क्या है, भले ही इस वक्त वो बिहार से गायब हों। जब हमने उनसे ये सवाल पूछा तो वो चुप रह गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन नीतीश कुमार का बोहा में फंस जाना और BJP को लेकर यह बड़ा बयान अनंत सिंह का कुछ ना कुछ अपने आप में कहता है। हमने जब उनसे जानना चाहा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं नीतीश कुमार के साथ रहा हूँ, नीतीश कुमार की पार्टी में मैं 3 बार विधायक रहा हूँ, तो ऐसे में मैं पूरा नहीं जानता हूँ, मैं हर वक्त उनके साथ नहीं रहता था, लेकिन हाँ जितना मैं जानता हूँ नीतीश कुमार दबाव नहीं सहते हैं और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अब तब की सरकार है, अब गिरा कि तब गिरा वैसी सरकार है। तो साफ साफ अगर हम इसका अर्थ निकालें तो उन्होंने एक इशारा दिया है और कहा है कि अब बचना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ऐसे में एक तरफ जहां RJD ऑफर पर ऑफर दिए जा रही है, वहीं दूसरी ओर JDU कह रही है कि कौन उनके दरवाजे पर अर्जी लेकर गया है कि उन्हें ऑफर देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो JDU BJP के बीच में बयानबाजियां हो रही हैं। अनंत सिंह ने अपनी बातें तो कह दी, विस्तार से हमने भी आपको बताया, इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे। और फिर जब मुलाकात हुई, उन्हें अंदर ले जाया गया, यानी कि कोर्ट के अंदर ले जाया गया जहाँ मैं नहीं गया, उसके बाद फिर मैं कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को आपके सामने साझा करना ज़रूरी समझा। तो ऐसे में अनंत सिंह का साफ साफ सोचना यह है कि नीतीश कुमार बोहा में फंस गए हैं और तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं, आगे उनका भविष्य है, उन्हें भरोसा है कि तेजस्वी यादव आगे मुख्यमंत्री होंगे। खैर ये वही अनंत सिंह हैं जो पहले लालू प्रसाद की बुराइयाँ किया करते थे, लेकिन अब जब वो RJD में आ चुके हैं तो वह तेजस्वी यादव को अगला CM भी बता रहे हैं। बहरहाल आप लाइव चीज़ सब रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस कहानी में जो बातें हमने कही हैं वो हूबहू ठीक वैसी हैं जैसे कि कोर्ट परिसर में मेरे साथ घटित हुई और मैंने आप तक रखा। वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया जा सकता था इसलिए हम आप तक वीडियो नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन हूबहू वही बातें मैंने आप तक पहुँचाई हैं जो अनंत सिंह ने फिलहाल मौजूदा समय की जो राजनीति है बिहार की उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव चीज़ को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर छोटी बड़ी खबरें, हर वो पॉलिटिकल किस्से जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।